जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फ्यूल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के SSC यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में एक्सटेंडेड नेवल ओरिएंटेशन कोर्स और नेवल ओरिएंटेशन कोर्स के लिए नेवी एग्जीक्यूटिव ब्रांच, नेवी एजुकेशन ब्रांच और नेवी टेक्निकल ब्रांच में अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं, जिसका कोर्स जून 2024 में शुरू होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस वैकेंसी में आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 224। चलिए बात करते हैं ब्रांच एंड पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपकी टोटल 3 ब्रांचेस रहेगी, जिसमें आपकी पहली ब्रांच होगी नेवी SSC एग्जीक्यूटिव ब्रांच और इस ब्रांच में आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट होगी 106। इन 106 पोस्ट में से आपके जनरल सर्विस और हाइड्रो के लिए नंबर ऑफ पोस्ट होगी 40, ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल पोस्ट के लिए आपकी पोस्ट होंगी 8, इसके अलावा नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर के लिए 18 पोस्ट रहेंगी, पायलट के लिए 20 पोस्ट रहेंगी और लॉजिस्टिक्स के लिए आपकी पोस्ट रहेंगी 20। तो इस तरीके से नेवी SSC एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आपकी टोटल पोस्ट होगी 106। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी दूसरी ब्रांच के बारे में। तो यहाँ पर आपकी दूसरी ब्रांच रहेगी नेवी एजुकेशन ब्रांच और इस ब्रांच में आपकी एजुकेशन पोस्ट के लिए नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 18। चलिए बात करते हैं आपकी तीसरी ब्रांच के बारे में। तो आपकी तीसरी ब्रांच रहेगी नेवी SSC टेक्निकल ब्रांच और टेक्निकल ब्रांच में आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 100 यानी कि 100 और इन 100 पोस्ट में से इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस के लिए आपकी पोस्ट रहेंगी 30, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस में आपकी पोस्ट रहेंगी 50 और नेवल कंस्ट्रक्टर के लिए आपकी पोस्ट रहेंगी 20। तो ये थी आपकी ब्रांच एंड पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स। चलिए बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 7 अक्टूबर 2023 से भरना शुरू हो चुके हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 29 अक्टूबर 2023। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फी का पेमेंट नहीं करना होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप जनरल सर्विस या फिर हाइड्रो कैडर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जन्म 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जन्म 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर पोस्ट के लिए आपकी एज के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका जन्म 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं पायलट पोस्ट के लिए आपकी एज लिमिट के बारे में। तो अगर आप पायलट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जन्म 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच होना जरूरी है। वहीं अगर बात करें लॉजिस्टिक्स के लिए आपकी एज लिमिट के बारे में, तो लॉजिस्टिक्स पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच आपका जन्म होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस, इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस और नेवल कंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके एज लिमिट के बारे में। तो अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जन्म 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी आपकी पोस्ट वाइज आपकी एज लिमिट। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपकी पहली ब्रांच है नेवी एग्जीक्यूटिव ब्रांच और इस ब्रांच में आपकी पहली पोस्ट है जनरल सर्विस एंड हाइड्रो कैडर की। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको BE या फिर BTech आपका कंप्लीट होना जरूरी है और ये आपका BE या फिर BTech किसी भी स्ट्रीम के अंदर हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे इस BE या फिर BTech में आपके कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल पायलट और नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका BE या फिर BTech कंप्लीट होना जरूरी है और ये आपका BE या फिर BTech किसी भी स्ट्रीम के अंदर हो सकता है और इस BE या फिर BTech में आपके कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। इस क्वालिफिकेशन के साथ ही साथ आपके 10th और 12th क्लास में आपके एग्रीगेट 60% मार्क्स होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपके इंग्लिश के अंदर 10th और 12th में आपकी इंग्लिश के अंदर भी कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी आपकी ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल पायलट नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लॉजिस्टिक्स पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप लॉजिस्टिक्स पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास तो आपने BE या फिर BTech कंप्लीट किया हो किसी भी स्ट्रीम के अंदर विद फर्स्ट क्लास या फिर आपने
एमबीए कंप्लीट किया हो विथ फर्स्ट क्लास, या फिर आपने बीएससी या फिर बीकॉम या फिर बीएससी किया हो आईटी में विथ फर्स्ट क्लास अलॉन्ग विद पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस या फिर लॉजिस्टिक्स या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट या फिर मटेरियल मैनेजमेंट, और या फिर आपने एमसीए या फिर एमएससी किया हो आईटी में विद फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों ये थी आपकी लॉजिस्टिक्स पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेवी टेक्निकल ब्रांच के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस ब्रांच में आपकी पहली पोस्ट है जनरल सर्विस इन इंजीनियरिंग ब्रांच। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका बीई या फिर बीटेक कंप्लीट होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि आपके बीई या फिर बीटेक में कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। और यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपने बीई या फिर बीटेक कंप्लीट किया है ये आपका मैकेनिकल में या फिर मैकेनिकल विद ऑटोमेशन में या फिर मरीन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर ये आपका हो सकता है प्रोडक्शन में या फिर एरोनॉटिकल में या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में या फिर आपका ये हो सकता है कंट्रोल इंजीनियरिंग में या फिर एरोस्पेस में या फिर ये आपका हो सकता है ऑटोमोबाइल्स में या फिर मेटलर्जी में या फिर मैक्ट्रॉनिक्स में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में। तो दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि जनरल सर्विस इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए अप्लाई करने के लिए आपका बी या फिर बीटेक कंप्लीट होना जरूरी है, और इस बी या फिर बीटेक में आपकी कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। और ये जो आपने बी या फिर बीटेक किया है ये आपका मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, मरीन, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर प्रोडक्शन, इसी तरीके से यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं कि ये जो आपका बीई या फिर बीटेक है वो किस स्ट्रीम के अंदर होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आपकी जनरल सर्विस इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे जनरल सर्विस इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका जो है बीई या फिर बीटेक कंप्लीट होना जरूरी है विद मिनिमम 60% मार्क्स। और ये जो आपने बीई या फिर बीटेक कंप्लीट किया है ये आपका बीई या बीटेक या तो इलेक्ट्रिकल में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या फिर ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए या फिर ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में होना चाहिए या फिर ये आपका हो सकता है टेलीकम्युनिकेशन में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर ये आपका हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो दोस्तों यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं कि ये जो आपका बी या फिर बीटेक है वो किस स्ट्रीम में होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आपकी जनरल सर्विस इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे नेवल कंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका बी या फिर बीटेक कंप्लीट होना चाहिए, और इस बी या फिर बीटेक में आपके कम से कम 60% मार्क्स होने जरूरी है। और ये जो आपने बी या फिर बीटेक किया है ये आपका या तो मैकेनिकल में हो या फिर मैकेनिकल विद ऑटोमेशन में हो या फिर ये आपका हो सकता है सिविल में या फिर एरोनॉटिकल में या फिर एरोस्पेस के अंदर या फिर मेटलर्जी में या फिर नेवल आर्किटेक्चर में या फिर ये आपका हो सकता है ओशियन इंजीनियरिंग में या फिर मरीन इंजीनियरिंग में या फिर शिप टेक्नोलॉजी में या फिर ये आपका हो सकता है शिप बिल्डिंग में या फिर शिप डिजाइन में। तो दोस्तों ये थी आपकी नेवल कंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और जो आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ये आपके जो क्वालिफाइंग डिग्री है उसमें जो आपके मार्क्स आए हैं उन मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पर आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एप्लीकेशंस शॉर्टलिस्ट करने के बाद में आपको अपने ईमेल या फिर एसएमएस के थ्रू एसएसबी के इंटरव्यू के डेट्स सेंड कर दी जाएगी, और फिर उसके बाद में आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा जो कि 5 दिनों तक चलने वाली प्रक्रिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप एसएसबी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका हमने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मॉडल सिलेक्शन में सबसे पहले आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद में आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। एसएसबी इंटरव्यू के दौरान ही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में एक आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है, और ये जो आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है वो आपके एसएसबी इंटरव्यू के अंदर जो आपके मार्क्स आए हैं उन मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ सिलेक्शन, जिसमें सबसे पहले आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, और उसी दौरान आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और फाइनली आपके एसएसबी इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। चलिए बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आप इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 29 अक्टूबर 2023। सो फ्रेंड्स ये वीडियो था एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में एक्सटेंडेड नेवल ऑरिएंटेशन कोर्स और नेवल ऑरिएंटेशन कोर्स के लिए नेवी एग्जीक्यूटिव ब्रांच, नेवी एजुकेशन ब्रांच और नेवी टेक्निकल ब्रांच में अनमेरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट से एप्लीकेशन इन्वाइट किए हैं इंडियन नेवी ने। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में इस चैनल पर
इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।